ये कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान जंग की, जिस जंग में कच्छ जिले के माधापुर गांव की महिलाओं ने बहादुरी की मिसाल पेश की। और इसी घटना पर हाल ही में एक मूवी बन रही है जिसका नाम है बुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का रोल करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं माधापुर गांव की महिलाओं की शौर्य गाथा। जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तब पाकिस्तानी विमानों ने भुज एयरफोर्स के एयरबेस पर बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तानी विमानों ने 92 बम और 22 रॉकेट दागकर उस इलाके में तबाही मचा दी। तब वहां के लोग उस इलाके को छोड़कर देश के दूसरे इलाके में जाने लगे। वैसे उस जंग में भारतीय वायुसेना जामनगर हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कच्छ पाकिस्तान के करीब होने के कारण भुज एयरबेस को ठीक रखना बहुत जरूरी था। पाकिस्तानी बमबारी की वजह से रनवे के बीचों बीच 12 फीट का बड़ा गड्ढा हो गया था। इसी के कारण भारतीय वायुसेना के विमानों का वहां से उड़ान भरना नामुमकिन हो गया था। उस रनवे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए वायुसेना के अफसरों ने वहां के स्थानीय मजदूरों से मदद मांगी, लेकिन जंग के खौफनाक माहौल में जान जाने के डर से कोई भी मजदूर वायुसेना की मदद के लिए नहीं आया। तब वायुसेना ने माधापुर के गाँव वालों से बात की और तब जंग के खौफनाक माहौल में अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर वहां की महिलाएं वायुसेना की मदद के लिए आगे आई। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक और उनकी टीम के साथ मिलकर उन महिलाओं ने रनवे की मरम्मत करने का काम शुरू किया, लेकिन वहां तो पाकिस्तानी विमान मंडराते रहते थे। उन पाकिस्तानी विमानों से बचने के लिए विजय कार्णिक ने उन महिलाओं को पहले ही समझा दिया था कि अगर पाकिस्तानी विमानों के आने का सायरन बजे तो काम छोड़कर पास के झाड़ियों में छुप जाएं और विमान गुजर जाने के बाद वापस काम पर लग जाएं। काम के पहले दिन तो उन महिलाओं को सिर्फ पानी से ही काम चलाना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन पास के स्वामीनारायण मंदिर से उनके लिए फल भेजे गए। और इस तरीके से रात दिन काम करके माधापुर की 300 वीरांगनाओं ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर रनवे को तैयार कर दिया। चौथे दिन शाम 4 बजे से ही भारतीय विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया और इस युद्ध का रुख ही मुड़ गया। भारत के जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर भारत ने 1971 का युद्ध जीत लिया। इस युद्ध के बाद जब इन महिलाओं से बात की गई, तब मालूम पड़ा कि उन महिलाओं में से एक महिला ऐसी भी थी जो अपने 18 महीने के बच्चे को अपने पड़ोसियों के घर छोड़कर आ रही थी। तब पड़ोसियों ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तब उस महिला के पास और कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। उन महिलाओं के अंदर इतना जोश था कि वो कह रही थी कि अगर वायुसेना को चौथे दिन भी हमारी ज़रूरत पड़ती तो हम तैयार थे। उसके बाद जब विजय कार्णिक से बात की गई तो उन्होंने उन महिलाओं को धन्यवाद किया और कहा कि अगर इस युद्ध में उन 300 महिलाओं में से किसी की भी जान जाती तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। उन महिलाओं की वीरता की याद में साल 2015 में माधापुर गांव के मुख्य द्वार पर वीरांगना स्मारक बनाया गया और इस स्मारक को उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम लोगों को समर्पित किया। इन 300 जाबाज वीरांगनाओं ने यह बता दिया कि जब जब देश पर संकट आएगा तब उसकी रक्षा के लिए भारत का हर व्यक्ति तैयार रहेगा। हम उन सबको सलाम करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। कच्छ की इन महिलाओं की शौर्य गाथा सुनते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि हम भी कच्छ के रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हो सके जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अंत में आपके लिए 2 लाइन, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है।